राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर मानहानि के मामले में गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी लगाई है। पूर्णेश जोशी ने अपने कैविएट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बिना उनका पक्ष सुने कोई आदेश या निर्देश जारी न करे। गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं दी थी। सूरत की जिला अदालत ने कांग्रेस नेता को इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक राहुल गांधी के मानहानि मामले में पूर्णेश मोदी ने 7 जुलाई को कैविएट फाइल की थी। गुजरात हाई कोर्ट ने 6 जुलाई को राहुल गांधी को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था। एक बार जब तक कैविएट फाइल हो जाती है तो कोर्ट को किसी भी तरह का आदेश जारी करने से पहले दोनों पक्षों को सुनना पड़ता है। गुजरात हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही मानते हुए राहुल गांधी पर दोष सिद्ध रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी। आपको बता दें 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली में मोदी सरनेम को लेकर दिए राहुल गांधी के भाषण पर सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी मानते हुए इस साल 23 मार्च को 2 साल की जेल और जुर्माना भी सुनाया था और जुर्माने की सजा सुनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, बीडी टीवी भारत।